हे गाइस, वेल आज हम नए टूल के बारे में जानेंगे जिसका नाम है हिम। हिम जैसे कि आप स्ट्रक्चर ही देख रहे हैं, तो फिर इसके बारे में हम प्रोसेस करके देखते हैं कि किस तरह से एक डिज़ाइन फॉर्म होता है। सबसे पहले हम स्केच लेंगे और टॉप प्लेन हम चूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हम रेक्टेंगुलर्स टूल का यूज़ करते हैं, और रेक्टेंगुलर टूल का यूज़ करने के बाद हम डायमेंशंस डिसाइड कर देते हैं। यहाँ पे देखिएगा, डायमेंशन क्यों? क्योंकि हमें फुल्ली डिफाइंड इन फीचर चाहिए होता है, ताकि हर एक बॉडी ही एकदम एक्यूरेट डायमेंशन के अकॉर्डिंग फॉर्म हो। इसलिए अगर से हम अनस्टेबल रखते हैं तो फिर स्ट्रक्चर ठीक से फॉर्म नहीं हो सकता था। फिर हम लेंगे बेस रेंज का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे एक बेस रेंज फॉर्म हो गया शीट बॉडी में 1 मिलीमीटर का, और हम यहाँ पे ओके कर देंगे। फिर हम एज फ्रिंज का यूज़ करेंगे। एज फ्रिंज का यूज़ करने के बाद हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन लाइन बनाएंगे। और यहाँ पर हम डिज़ाइन कर देते हैं कितने मिलीमीटर हमें डेप्थ, मिलीमीटर हमें विड्थ चाहिए, वो लेंथ हाइट चाहिए। तो फिर देखते हैं, यहाँ पर हमें चाहिए 64। ओके, अब अगर से चाहें तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं एंगल को, और यहाँ से क्रिएट हो गया। फिर मुझे यहाँ पर एक अपने अनुसार एक क्रिएशन करना पड़ेगा, एक तरह का एक फॉर्मिंग टूल डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर में थोड़ा डिज़ाइन भी होना ज़रूरी होता है, इसलिए ज़रूरी होना भी चाहिए इस कारण से। पर अभी हम जस्ट डिज़ाइन कर रहे हैं एक और स्ट्रक्चर को, और यहाँ पर ताकि हमारा डिज़ाइन कंफर्टेबल भी रहे और लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा फॉर्म हो इन शीट बॉडी में। तो फिर यहाँ पर डालेंगे हम 35, और जस्ट यहाँ से हम यहाँ तक स्ट्रक्चर रखेंगे 28, और यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रक्चर हम रखेंगे 45। इट्स ओके, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन फीचर क्रिएट हो गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है एक्सट्रूड कट का यूज़। ठीक है, एक्सट्रूड कट का भी यूज़ करने से पहले हम एक काम करना भूल गए, वो है ट्रिम एंटिटीज़ करना। ट्रिम एंटिटी सिमिलर फॉर्म में ट्रिम टू क्लोज टूल में मैंने ट्रिम कर दिया बॉडी को, और यहाँ पे ट्रिम हो गया, और यहाँ पे एक सरफेस क्रिएट हो गई। फिर हम यहाँ से जस्ट क्रिएट कर देंगे अपना बॉडी को, और यहाँ से हमारा कट फॉर्म हो गया। अब हमें यूज़ करना है हिंज हिम टूल का। हिम टूल काफ़ी अच्छा टूल है, ये कर्वेचर फॉर्म करने में ये काफ़ी यूज़फुल रहता है ये टूल। देखिए, जिस तरह मैंने कर्वेचर यहाँ पर फॉर्म करा है, कर्व टूल यहाँ पर फॉर्म हो गया। अब चाहे तो यहाँ से आप अपना एंगल
डिजाइन भी कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हिज फॉर्मेशन भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लोज्ड टाइप हो गया, यहाँ पे ओपन टाइप हो गया, यहाँ पे टीयर ड्रॉप हो गया, यहाँ पे रोलर रोल्ड हो गया। वह आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, ये मैं चाहे तो आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए आपका रोलर बॉडी क्रिएट हो गई। अगर से आप चाहें तो फिर आप ये सेक्शन भी ले सकते हैं जिसका नाम है टीयर ड्रॉप, टूल का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इस ओपन टूल का भी यूज़ कर सकते हैं, यह आपके ऊपर है। लेकिन बेसिकली बिजनेस, अगर से आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो फिर उधर एज पर जॉब के अनुसार ही वर्क करना पड़ता है। अब हम इसमें एक बॉडी क्रिएट करेंगे, मींस कि एक मटेरियल क्रिएट कर देते हैं ताकि ये मेटेलिक बॉडी टाइप लगे। तो फिर हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पे हम करते हैं कॉपर टूल का यूज़ करके हम जस्ट यहाँ से ये थोड़ा सा इसकी फिनिश को हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट के अनुसार। और हाँ, यहाँ से हम जस्ट ओके पे एक क्लिक कर देंगे और ये देखिए आपका टूल क्रिएट हो गया। आई होप कि आपको मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर से आपको कोई डाउट हो तो फिर आप इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब सेक्शन में भी इन्हें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए एक कुछ किसी डाउट के लिए, और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको और रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके और मेरी भी थोड़ी सी मदद हो सके। तो अभी के लिए गुड बाय गाइज, और सी या।